अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है तुरई और चने की दाल की सब्जी, जो हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो मैंने आज वही सिंपल तरीके से वेजीज के लिए मैंने ये डिश तैयार की है। आप लोग ज़रूर ये लंच कॉम्बिनेशन बना के आप खाइए और बनाइए। आज की रेसिपी अगर मेरी पसंद आई तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो गाइस, हम अभी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। यह है आधा किलो तुराई और यह है चने की दाल, जो मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखा था। और यह है 100 ग्राम टमाटर, जो मैंने बारीक चॉप करके रख दिया है। और यह है एक प्याज, बारीक कट आप चॉप कर लीजिए, इसे भी या नहीं तो ऐसे ही कट कर लीजिए। और ये है कोथमीर और एक हरी मिर्ची लगेंगे इसके अंदर। ये है कोथमीर यानी हरा धनिया, मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और ये है छोटी मेथी, आप देखिए ये है छोटी मेथी, इसे भी मैंने कट करके रख लिया है। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ शुरू होते हैं। मैंने बर्तन में तेल डालकर गर्म कर लिया है। मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से हम इसे भून लेंगे। तो देखिएगा ये हल्के से सौते हो गए हैं, यानी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जो ये मसाले हैं अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी, और ये अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और नमक पहले इसलिए डाल रही हूँ, जो बिटरनेस आती है तुरई में और मेथी की भाजी में, तो वो बिटरनेस इसमें ऐसा करने से नहीं आएंगी। और हम थोड़ा सा अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसकी अच्छी स्मेल चली जाए। इसके बाद में हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी डिश है। अभी इसे आपको गुड लुक दिख रही होंगी, तो प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, मेरी रिवर्स थोड़ा आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, अच्छे गुड कॉमेंट्स भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यार बहुत मेहनत लगती इसके लिए, बिजी फैमिली में से टाइम निकालना इज सो मच हार्ड रहता। तो देखिए हम ये बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ये तुराई जो कटी हुई है मैंने वॉश करके अच्छे से रखा था, वो डालेंगे इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और हमारी जो दाल भीगी हुई है वो दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से तेल भी छूटने लगा है। अभी हम इसमें वाटर ऐड करेंगे 1 गिलास। ये देखिए आप लोग, ये 1 गिलास वाटर है मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि दाल भी अच्छी सी गल जाए और तुरई भी सख्त रहे। अगर सब्जी सख्त है या दाल सख्त है तो खाने में मज़ा नहीं आता, टेस्ट भी नहीं आता। अगर टेस्टी भी बनी तो खाने में मज़ा नहीं आता, कहीं ना कहीं किरकिरा बना रहता। इसकी वजह से आप खास ख्याल रखिए, इसमें पानी डालना मत भूलिए। अच्छे से गलना है तो आपको ज़रूरी है पानी इसमें ऐड करना, यानी वाटर ऐड करना ज़रूरी है आपको। ये देखिए मैंने 25 ग्राम लिया था दाल, आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं आप। ये मेरी फैमिली में बस इतना ही खाते, यानी तुरई सब्जी ज़्यादा होना और दाल बस दूर दूर दिखाई देना। चलिए अब इसे हम अच्छे से ढककर बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पे। अब हम इसे ढककर हटाकर देखते हैं इसका हाल क्या है। तो
देखिए मैंने भिगा के रखा था दाल, नमक डालने के बावजूद भी ये गल चुकी है। देखिए आधी गल चुकी है और अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ताकि वो पूरी गल जाए। जब तक टमाटर के साथ भुने जाएंगे इसका पानी भी छूटता है और टमाटर के साथ हम ये मेथी डालेंगे। छोटी मेथी है, आप चाहे तो बड़ी मेथी भी ले सकते हैं और थोड़ा कोरिएंडर, अभी हरा धनिया अभी ऐड करेंगे और बाद में थोड़ा, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर ले ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाए। अभी हम नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिश में यूज़ कर लिए फर्स्ट टाइम। चलिए अब इसे हम ढककर एक दो से तीन मिनट इसको मीडियम से भी कम, स्लो से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। तो हम इसे देखते हैं ये कहाँ तक गली, लगभग ये बन चुकी है। और अलग बॉईल करना चने की दाल, उसका झंझट ही नहीं है, सब इसी में बन जा रहा। अगर आप नमक ना डाले पहले तो और जल्दी से ये बॉईल हो जाती। तो देखिए हमें अभी थोड़ा इसे अच्छा चलाते रहना है, टमाटर को अच्छे से भून लेना है, इसके अंदर सारे मसाले चले गए। तो बीच बीच में आप चलाते रहिए, इसे हम हाई फ्लेम पे ढकेंगे। तो टमाटर भी अच्छे से भुने गए हैं, यानी अच्छे से गल गए हैं। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं सॉल्ट कितना है। आप भी आपके हिसाब से सॉल्ट डाल लीजिए, मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और दाल को मैंने 10 मिनट पहले भिगाया, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोग एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले भिगो दिए तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, डिश बनने में शॉर्ट एंड बेस्ट होगी। मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ इसके लिए, मैं कैसे भी मैनेज कर सकती हूँ। तो देखिए अलग उबालने से तो बेहतर है ऐसा बना लेना। तो दाल भी अच्छी से गल गई है, मैं अभी आपको एक दाना मैं प्रेस करके बताऊंगी। ये टूट जा रहा, टूट जा रहा। तो अब हम इसमें कोथमीर डालेंगे, दो हरी मिर्ची, एक हरी मिर्ची को मैंने हाफ ऑफ कट कर लिया है, एक हरी मिर्च काफी है इसमें। ज़्यादा मिर्च सर्दियों के दिनों में तेज लगती, खाए नहीं जाए, खाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो देखिए हमने ये डिश रेडी कर लिया है। चलिए आप टेस्ट, आप सॉल्ट आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। तो देखिए हम अभी इसे थोड़ी देर इस तरह, बस आपको जितनी सब्जी लूज रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन ये डिशेस जो सब्जियों के हैं ये सूखे में ही बहुत अच्छी लगती है। हम आप कौन से भी सालन के साथ इसे साइड में ले सकते हैं, ये साइड डिश बना के ले सकते हैं, मेन डिश बना के ले सकते हैं या रोटी में ले सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से जो भून गए हैं। बस हम एक मिनट इसे इसी तरह ढक कर रख देंगे और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल भी आ जाएगा। तो देखिए ये एक मिनट हो चुका है, मैंने बिल्कुल दम पे रखा था और देखिए कितना अच्छा तेल इस पे उतर के आ गया, यानी तेल की तरी ऊपर आ गई। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
तो देखिए मैंने ये डिश आउट कर लिया है, यानी डिश तैयार है अभी खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे गुड कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। तो ये अचार के साथ चावल है और रोटी में भी आप ले सकते हैं या चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो बेहद टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप भी खुश हो जाएंगे खाके। तो चलती हूँ गाइस, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। Thank you.